हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग ये बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर है स्टाफिंग जो कि रिलेटेड है ह्यूमन बींग से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और बेनिफिट ले पाएँ स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग स्टाफिंग इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फाइंड करता है स्टाफ को फिल करने में राइट right क्वालिफिकेशन के साथ और राइट right टाइम अगर हम स्टाफिंग देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पर हमें स्टाफ को फिल करना होता है ऑर्गनाइजिंग मैनेजमेंट uh, के पांच प्रोसेस तो आपने पढ़े ही होंगे जो कि फ़र्स्ट होता है हमारा प्लानिंग और देन हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद जब हम रिसोर्स को अरेंज कर लेते हैं उसके बाद हमें उसक, उसको फाइंड करना होता है स्टाफ के लिए ताकि हम स्टाफ फिल कर सकें राइट क्वालिफ़िकेशन के साथ जिसका जो काम है उसी को हम वो काम देंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से चलेगा और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो हम उसको अचीव कर पाएंगे तो देन हम देखते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है स्टाफिंग की यहाँ पे मैंने एक इजी सी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख के दिखाई है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम कि हमें देखना है कि जो इंसान जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है अगर वो उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको वही काम देंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा इसलिए हमें देखते हैं कि जो स्टाफ है वो हमें कैसा रखना है ओके तो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कैरेक्टरस्टिक्स और यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है स्टाफिंग की ये आप देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे कैरेक्टरस्टिक्स और नेचर ऑफ स्टाफिंग कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये रिलेट होता है ह्यूमन बींग्स से क्योंकि स्टाफिंग में हम ह्यूम्स को ही काम पे रखते हैं ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरस्टिक्स है स्टाफिंग रिलेशन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट आता है हमारा मैनेज सेपरेट मैनेजर फंक्शन कि ये हमारा जो है स्टाफिंग ये एक सेपरेट मैनेजर फंक्शन है नेक्स्ट आता है ऑल मैनेजर लेवल कि ये हमारा जो होता है स्टाफिंग ऑल मैनेजर लेवल पे ही Uh, काम आता है कि हमें स्टाफिंग uh, हमें नीड होती है स्टाफ की ऑल मैनेजर लेवल पे ये हमारा ऑल मैनेजर लेवल स्टाफिंग नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये किससे रिलेटेड होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट करता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वामेंट को नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इम्पॉर्डेंट्स स्टाफिंग इंपॉर्डेंट्स क्या होते हैं टू पॉसिबल द इफ़ेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर सोर्सेज कि हमें फुली uh, यूटिलाइज करना है सोर्सेज को नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबल एक्स ये कहता है कि अदर मैनेजर फंक्शन अदर मैनेजर फंक्शन क्या कहता है कि अपसेंस दिस दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म कि अगर एक भी कोई मैनेजर मैनेजर मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा तो बाकी जो मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के जो फंक्शनस हैं वो भी परफॉर्म नहीं होंगे जैसे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग्स अगर अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम ऑर्गेनाइजिंग तक ही नहीं पहुंचेंगे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये प्रोसेस uh, होता है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है सबसे पहले प्लानिंग करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए दैन फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं रिसोर्स ऑफ अरेंजमेंट अरेंज अरेंज करते हैं रिसोर्स को फिर दैन अरेंज करने के बाद हम अच्छा एक स्टाफ रखते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैंटेन रखें इट प्रोवाइड द इट प्रोवाइड द राइट जॉब राइट मैन कि हमें जॉब प्रोवाइड करनी है राइट जॉब प्रोवाइड करनी है राइट right मैन को जो उस काम को कर सकता है जो उस काम जो उस काम की क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमें उस काम जो हमारा जो क्वालिफिकेशन है उसको देखना है कि जो हमारा क्वालिफिकेशन होगा उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें उस काम को देना है नेक्स्ट आता है हमारा को स्टाफ और स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग कि कुछ जो स्टेप्स होते हैं वो हैं हमारे स्टाफिंग की फर्स्ट आता है डिटरमाइनिंग द दे रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर सेकेंड है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन रिटेनेशन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रमोशन ट्रांसफ़र एंड सेपरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर कि हमें कितने लोग और किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है कि कितने लोग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए और किस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या काम देना है ये हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस करना चाहिए अपने जिस भी हमने जिस भी जिस भी वो वैकेंसी के लिए हमने जॉब निकाली है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना चाहिए कि, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सके उस जॉ वेकेंट जॉब के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट पर्सन को हम सिलेक्ट कर पाएंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इट इज़ अ पॉस हाँ और ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है कि यहाँ पे आ, जैसे हमें चार एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं और आ, हमारे पास 400 आए हैं तो हम उन 400 में से बेस्ट चार को हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है कि हमें हमारे पास बहुत सारे वेकेंट जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको उसमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं इट रिफर्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोसेस इंड्यूसिंग द पीपल्स कि हम जो पीपल्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारी जो वेकेंट जॉब है उसके लिए आप अप्लाई करें नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन सिलेक्शन वही होता है कि हम हमारे पास जो जो हमारे पास वेकेंट जॉब के लिए जो आए हैं कैंडिडेट्स उनको सिलेक्ट करना तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पे आते तो बहुत सारे लोग हैं बट सिलेक्ट हम किसी जितनी हमारे पास वैकेंट जॉब है उन्हीं को कर पाते हैं तो दिस इज़ नेगेटिव प्रोसेस नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद हमारे पास आता है प्लेसमेंट ऑन एंड ओरिएंटेशन प्लेसमेंट क्या होता है कि जगह दिखाना कि आपकी ये कुर्सी है आपको यहाँ बैठ के काम करना है ओरिएंटेशन क्या होता है ओरिएंटेशन जान पहचान जितने भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उससे उस न्यू कैंडिडेट को उसे इंटरव्यू जैसे हम हमारा होता है उसको एक जान पहचान बढ़ाते हैं ताकि वो उस कंपनी में उसे अच्छा लगे ताकि वो जाने एक दूसरे को कि जान पहचान होगी तो हमें हमें ऐसा अजीब सा फील नहीं होगा कि हाँ भाई हम पता नहीं कहाँ आ गए तो इसी को हम बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनिंग 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 करवाना जैसे हम कहीं भी किसी भी किसी भी नई कंपनी में जाते हैं तो वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जैसा काम है जैसे वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो एक कम से कम रिसोर्स यूज़ करके रिसोर्स को वेस्ट ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर पाए परफॉर्मेंस एप्रेजर परफॉर्मेंस देखते हैं काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम को अच्छे से कर रहा है टाइम पे कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं नेक्स्ट आता है प्रमोशन अगर काम बेटर कर रहा है काम अच्छा कर रहा है हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे हम उसका प्रमोशन करेंगे ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र क्या होता है एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना वन कंपनी टू अनदर प्लेस फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर स्टाफिंग द एम्प्लॉज आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या वन प्लेस सेदर प्लेस पर हम जब उसका ट्रांसफर कर जब उसको भेजते हैं तो उसको ट्रांसफर कहते हैं सेपरेशन द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग सेपरेशन इम्प्लॉयज फ्रॉम द जॉब कि उसको एक सेपरेशन मिल जाती है जैसे रिटायरमेंट हो गया टर्मिनेशन हो गया दिस इज फॉर सेपरेशन उसके बाद नेक्स्ट आता है मैचिंग जॉब पीपल्स ये आगे देखते हैं फिर आगे देखते हैं तो हमारा ये आता है देयर आर थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग स्टाफिंग के थ्री मेजर कॉम्पोनेन्ट्स होते हैं एक फर्स्ट होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो ये हमारे थ्री थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में सेपरेटली uh, पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम, हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली ये चैनल आपके लिए ही है कॉमर्स क्लासेस कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें थैंक यू सो मच